हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना 34 और 62 का। ठीक है, तो स्टार्ट करें 34 और यहाँ पे 62। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट। इसका 4 है, इसका 2 है। इसका क्या मतलब है? दोनों इवन है। इवन कैसे है कि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है। तो हमने देखा लास्ट डिजिट दोनों के जब इवन है तो उसका मतलब पूरा नंबर ही इवन है। ठीक है, आपने जब चेक करना हो कि नंबर इवन है कि ऑड, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक किया करें। अगर तो वो 2 के टेबल में आता है तो वो इवन है, तो पूरा नंबर ही इवन है। ठीक है, और अगर वो नहीं इवन तो वो पूरा नंबर ही ऑड है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों इवन है, इसका मतलब हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 भी आता है। ठीक है, और एक और बात है, हम यहाँ पे 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एलसीएम में लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम देखते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पे 2 ले लिया। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा, 2 के टेबल में 2 ही आता, तो हमने कट करके 2 बना लिया। 2 के टेबल में 2 आ गया, 1 जा रही है, 3 था जब कट होकर, 2 बना, इसका 1 इधर चला गया, बन गया 14। 2 के टेबल में 14 आ गया, 7 जार। अब 2 के टेबल में 6 आता है, 3 जार। 2 के टेबल में 2 आता है, 1 जार। अभी 17 है, 31 है, लास्ट डेट चेक करें 7 है, लास्ट डेट चेक करें 1 है। ठीक है, तो दोनों ही 2 के टेबल में ना तो 7 आता है ना तो 1 आता है, इसका मतलब यहाँ पे हम 2 नहीं लेंगे। ठीक है, 3 लेंगे कि नहीं? 3 के लिए देखें, 3 से डिवाइड नंबर कोई होता है कि नहीं, उसके लिए ये रूल होता है चेक करने के लिए। डिजिट्स प्लस करें, 7 में 1 प्लस करें 8 आ रहा है, 3 में 1 प्लस करें क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो दोनों ही हमने प्लस किए, दोनों नंबर्स डिजिट्स को इधर प्लस किया तो 8 आ गया, इनको प्लस किया तो 4 आ गया। 3 के टेबल में ना तो 8 आता है, 3 के टेबल में ना तो 4 आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे 3 भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 3 भी नहीं लेंगे, 4 ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, उसके लिए लास्ट डेट इवन होना ज़रूरी है। 5 के लिए रूल होता है लास्ट डेट 0 या 5 हो, तो ये तो 7 और 1 है, 5 भी नहीं यहाँ पे लेंगे। ठीक है, 7 के लिए देख लें, ये रूल होता है कोई नंबर डिवाइड हो सकता है 7 से कि नहीं, तो चेक करने के लिए 7 के टेबल में तो 17 वैसे ही डायरेक्ट नहीं आता। ठीक है, और 7 के टेबल में 31 भी नहीं आता। ठीक है, 7 के टेबल में 28 आता है या 35 आता है, इसका क्या मतलब है? 7 के टेबल में नहीं आ रहा, तो जो दोनों ये दोनों नंबर 2, 3, 5 7 के टेबल में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, ये अपने में ही आएंगे। तो 17 छोटा है कि 31 छोटा है? 17 छोटा है, तो पहले 17 को यहाँ पे लिख लें, 17 1 17, और 17 के टेबल में 31 नहीं आता तो इसको वैसे का वैसे लिख लें। ठीक है, 31 अब लिखेंगे, 31 1 हज़ार। तो एलसीएम के लिए सारे नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें और देखें क्या आ रहा है, तो वो इसका एलसीएम होगा। तो 2 7 हज़ार क्या होता है? 34। ठीक है, 34 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 31 से। ठीक है, तो 4 1 ज़ार 4 3 1 ज़ार 3। अब 3 4 ज़ार 12, 2 इधर 1 कैरी, और 3 3 ज़ार 9, 9 1 प्लस करें तो 10, 4 3 में 2 प्लस करें 5 0 1, तो क्या आ रहा है? 1 0 5 4। तो एलसीएम क्या आ गया? 34 62 का 1 0 5 4। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।